अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं बनाने लगी थी घी, जो कि मैंने मलाई काफ़ी सारे दिन से इकट्ठा करके रखी थी और काफ़ी सारी मलाई वो इकट्ठा हो गई थी। जैसे कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है तो स्मेल हो जाती है अगर लॉन्ग टाइम तक आप मलाई को रखते हैं स्टोर करके, तो इसलिए अभी मैं उसका घी बनाने लगी हूँ। और यहाँ पर बनाने लगी थी मैं रोटियाँ, ये देखें। और ये शाम का मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ रूटीन। और मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी और ये देखें, मैंने एक साइड पर आटे के गोले बना के रख लिए हैं रोटी बनाने के लिए। और ये बना रही हूँ मैं सब्ज़ी जो कि बन चुकी है। उसके बाद में मैंने तवा ले लिया है जो कि नॉन स्टिक था, बट अभी ये नॉन स्टिक नहीं रहा है और इसकी कोडिंग उतर गई है। बट मैं जब भी इसे वॉश करके रख देती हूँ फिर भी मैं एक बार इसको वॉश करके ही लेती हूँ यूज़ में। और ये देखिए घी मेरा ऑलमोस्ट बन ही चुका है। ये देखिए नीचे बैठ गया है जितना भी इसका वेस्ट वाला पार्ट था और घी ऊपर आ गया है। तो मैं अभी इसे स्ट्रेन कर लूँगी थोड़ा ठंडा होने तक, एक डब्बे में डाल के अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी तो इसका वेस्ट पार्ट अलग निकल जाएगा और होममेड घी हमें मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। घर में आप घी बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखें सब्ज़ी मेरी बन चुकी है जो कि मैंने बनाए थे आलू मटर की सब्ज़ी, और ये काफ़ी अच्छी बनी है। ये देखें इसमें मैंने शोरबे वाली बनाई है, ये सूखी सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने। मुझको इसी तरह की सब्ज़ी पसंद है आलू मटर की, और इसको हम चावल के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो हम इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट मैं अभी रोटी बना रही थी फ़िलहाल। और उसके बाद में मैंने बनाया था शिकंजी, जो कि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तब मैं उनके लिए शिकंजी बना के रखती हूँ। शिकंजी, रूह अफ़ज़ा, सत्तू, कुछ भी लिक्विड चीज़ ऐसी बना के रखती हूँ, लेती हूँ कूट के अच्छे से। और ये देखें इस तरह से आज मेरा भी मन था नींबू पानी पीने का, तो एक गिलास मैंने अपने लिए लिया है और बाकी एक्स्ट्रा भी मैंने बना के रखा था जो कि अपने बेटे के लिए अगर उसका मन होगा तो उसको भी दे दूँगी। और जैसे ही मैं नींबू पानी लेकर गई तो उसका मन कर गया मेरे बेटे का, तो मैंने एक गिलास उसको दे दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का एक क्लिप है जो कि मैंने लिया था अपने बेटे का, और उसने जो ये स्नेक प्लांट पॉट तैयार किया था क्ले पॉट जो कि प्रोजेक्ट में शामिल था, और सिर्फ ये लास्ट ही प्रोजेक्ट रह गया था। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे इसको स्कूल छोड़ने के लिए, तो आज उसे हमने वैन से नहीं भेजा था कि बच्चे उसको डैमेज ना कर दें प्लांट को, तो आज उसका ये प्रोजेक्ट भी जाना था स्कूल लेकर, तो मेरे हस्बैंड ही जा रहे थे आज इसको छोड़ने के लिए, ये देखें। इसके बाद मेरा मन था कुछ दाल चावल खाने का, मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो बट मुझे चावल नहीं बनाना था तो ये मैंने जवे बनाए थे और ये बूरा उसके ऊपर डाल के, ये मेरे बेटे को खाना था, बूरा के ऊपर घी डाल के उसने ये खाया था और हम खा रहे थे जवे और उसके ऊपर हमने दाल डाली थी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और ये रोस्टेड जवे को मैंने बॉईल किया था पानी में अच्छे से, और उसके बाद में मैंने इन्हें रिफाइंड से अलग अलग कर दिया था, रिफाइंड हल्का सा डाल के स्ट्रेन कर दिया था, और बहुत ही ज़्यादा ये क्विक रेसिपी है। यू डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और उसके बाद में मैं करने लगी थी कपड़ों को फोल्ड, जो कि मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए थे, ये देखें इतने सारे कपड़े यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। और ये भी टाइम टेकिंग वर्क है, काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन कपड़ों को सेपरेट करके रखना कि आयरन वाले अलग और जो आयरन नहीं होने उनको अलग करना, और बेड शीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं और टॉवल्स वगैरह हैं जो कि ऐसी चीज़ें हैं उनको अपनी अपनी जगह पर सेट करना फौरन, वरना तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं, उनको मैं एक साइड पर फौरन रखती हूँ फोल्ड करके। और ये देखें काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं यार, रोज़ पता नहीं इतने कपड़े कहाँ से इकट्ठा हो जाते हैं,
और मैं कपड़े वॉश करती रहती हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर नहीं करती हूँ ज़्यादा कपड़े वॉश करने की, ताकि आपको बोर ना लगे डेली वही सेम रूटीन देख के। अगर 2 दिन का गैप हो गया है, कपड़े मैंने वॉश नहीं किए हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। और बेटे की यूनिफॉर्म तो वो डेली मुझको वॉश करनी होती है, तो इसलिए उसी के साथ मैं कुछ कपड़े भी वॉश कर देती हूँ। अगर कोई थोड़े कपड़े बचे होते हैं तो मैं उन्हें भी साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ, बट कभी कभी इकट्ठा हो जाते हैं। और मुझे बेडशीट्स वगैरह भी वॉश करनी होती हैं, तब मैं मशीन लगाती हूँ, और साथ में बाकी सारी हैवी चीज़ें भी मैं वॉश कर डालती हूँ, जैसे कि हैवी वाली बेडशीट्स हैं मेरे पास, और टॉवल्स वगैरह हैं, कर्टन्स हैं, इन सभी को भी वॉश कर देती हूँ। अभी भी देखें, मैंने काफ़ी सारे कपड़ों को फोल्ड कर दिया है, और अभी इनके बाद में भी एक बहुत बड़ा काम रह जाता है, जो कि इन कपड़ों को मैनेज करना है, उनकी जगह पर उन्हें सेट करना है, वरना तो घर बहुत ज़्यादा मैसी लगता है मुझे, क्योंकि मुझे इस तरह से कपड़े फैला कर रखना या फिर बांध के एक साइड पे रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ इन्हें फौरन से फोल्ड करके एक साइड पर रख दूँ, ताकि ये दिखाई ना दें, एक साइड पर मैं इन्हें अच्छे से रख देती हूँ। तब मुझे आयरन करना हो तो मैं इसको निकाल के फौरन से आयरन कर लूँ। इसीलिए मैंने ये बास्केट ली है, जिसमें सारे कपड़े अच्छे से कवर हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, घर बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता है रूम। और उसके बाद में ये सारे कपड़े जितने भी मैंने फ़ोल्ड किए थे, जो आयरन नहीं करने थे, उन सभी को मैं उनकी जगह पर रखती जा रही हूँ। अगर आज का आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।